Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज, Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ भूपेश टांडिया। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने सरेआम अधिकारियों को सूली पर टांगने की बात कह डाली। केंद्रीय मंत्री इतने गुस्से में थी, वह यही नहीं रुकी, उन्होंने अधिकारियों को बेल्ट उतार कर पिटाई करने की भी बात कही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में दिलीप गुप्ता से मिलने पहुंची हुई थी। दिलीप गुप्ता वही युवक है जिसने पिछले दिनों सोशल मीडिया में क्वारंटाइन सेंटर के अव्यवस्था का वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ जनपद सीओ और तहसीलदार ने मारपीट की है। परिजनों से मामले की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री क्वारंटाइन सेंटर पहुंची और उन्होंने युवक से बातचीत की। मंत्री से युवक ने बताया कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, उसने चोट के निशान भी दिखाए, जिसके बाद मंत्री वहां मौजूद अधिकारियों पर भड़क उठी और उन्होंने अधिकारियों को पहले सूली पर टांगने की बात कही, फिर बेल्ट से पीटने की धमकी दे डाली। आप भी देखिए क्या कुछ कहा मंत्री रेणुका सिंह ने। कि भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप, जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। दादागिरी नहीं चलेगी, ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं, भुखमरी को दूर हम लोग किए हैं, नक्सली को दूर हम किए हैं, अशिक्षा को हमने दूर किया है, डेवलपमेंट हमने किए हैं। अब मरम्मत के लिए मिट्टी मुरम के लिए पैसा नहीं सरकार के पास, 2,743 करोड़ रुपया हमने दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास पैसे की कोई नहीं, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सारे लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं दिला रही हूँ। गाली दिया? मैंने कोई गाली नहीं, रमजान झूठा कसम मत खाइए, आर्मी से आ रहे हो चाहे जहाँ से भी आइए, आज भी मेरा मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना सूली पे टांग दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा, अगर मैं ऊपर वाला सामने